सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। पेड़ के नीचे रखे भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, फिर हमारी तो औकात ही क्या है। आज का पंचांग 15 नवंबर 2020, दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, सुबह 10:36 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र शाम 5:16 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:16 से 5:38 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर सुबह 11:58 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। आप सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। कन्या राशि 15 नवंबर 2020, दिन रविवार। अभी कोई उधार आपके दिमाग में है, चिंताओं की जगह अपने काम पर ध्यान दें। नए प्रतिक्षण के लिए साइन अप करना या नए कौशल सीखना आपको प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। एक रिश्तेदार शायद चाचा आपकी सहायता कर सकते हैं। आज का दिन अपने परिवार रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ समय बिताने का है। अपने संबंधों को और भी मजबूत करें। प्रौद्योगिकी के कारण अपने प्रियजनों से संपर्क करना आसान हो गया है, तो इसका प्रयोग करें। मुश्किलों से लड़ना सीखें, क्योंकि या तो आपको सफलता मिलेगी या फिर आपको शिक्षा मिलेगी। अपने प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि इसी से आप हर एक स्थिति में खुश रह पाएंगी। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान ना करें, जो आपको अच्छा लगे वही करें। आपको यह सोचने में कुछ समस्या हो सकती है कि कहां से शुरू करूं, इसलिए सारे पहलू देखकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। पिछले कुछ समय से रुके हुए कार्यों पर आज अधिक समय व्यतीत करें। आज उन कार्यों के पूरा होने की उचित संभावना है। किसी नजदीकी रिश्ते के साथ चल रही गलतफहमी भी आपसे सामंजस्य से दूर हो जाएगी और संबंध पुनः मधुर बनेंगी। आज आपको घर या काम से किसी अन्य जगह पर ही ध्यान देना तय करना होगा। काम में बदलाव ना देख पाना आपका काम के प्रति उत्साह कम कर रहा है और परिवार के लोगों को अभी आपकी जरूरत हो सकती है, इसलिए जब तक आपकी परिस्थिति में आपकी अपेक्षानुसार सकारात्मक प्रभाव नहीं दिखता तब तक खुद से बड़े बदलाव लाने की कोशिश ना करें। संगीत क्षेत्र से जुड़े योग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन पा सकते हैं। पार्टनर को आपकी सहायता की जरूरत होगी, लेकिन यह बात पार्टनर खुलकर नहीं बोल पाएंगी। सावधानियां, ध्यान रखें कि आपका थोड़ा सा भी क्रोध और उतावलापन बनते कामों में विघ्न डाल सकता है, इसलिए अपनी व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। अनजान व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार ना करें तो उचित रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी व पारिवारिक लोगों की सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित होगी, इससे आपके काम सुचारू रूप से बनते जाएंगी। अपने आप को उदास महसूस ना करें,
क्योंकि प्रेम की वो मुलाकात उस तरह से नहीं रही जिस तरह से आपने इस बारे में सोचा था। इस रिश्ते को थोड़ा समय दीजिए, शायद आप अपनी साथी के दिल को अभी समझ नहीं पाए हैं। आपके साथी का दिल सोने का है। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस बात को साबित करेगी। हालांकि दोनों तरफ से एक अंतरंग मुठभेड़ की इच्छा दोनों तरफ से जागृत हो सकती है। उदास अकेलेपन भी कई लोग महसूस कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति से बात कर लें जो आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसकी चुलबुली बातें आपको खुशनुमा बना देगी। अच्छे प्रदर्शन के लिए लगातार प्रयास और मेहनत करना जारी रखें। आज अपने संबंधों को बनाने और पुराने संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए एक यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। अपने पार्टनर के साथ अधिक अंतरंग महसूस करेंगे और यह कुछ रोमांटिक पल आपको रोमांचित कर देंगे। ध्यान रखें, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बुनियाद मजबूत रखें, तभी आप एक अच्छा रिलेशनशिप रख पाएंगे। बात करते हैं करियर की। जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत के साथ साथ कौशल प्रशिक्षण या ज्ञान अर्जित करते रहना बेहद जरूरी है। व्यस्तता चिंता का कारण बन सकती है, इससे बचने के लिए अपने और अपने शौक के लिए समय निकालें। मुकदमेबाजी और विवादों से दूर रहें। प्रतिष्ठा की हानि की संभावना है। नए व्यापार शुरू करने या उसके विकास के लिए यह समय अनुकूल है। समय के साथ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपकी तरक्की आपके कौशल, कड़ी मेहनत और विवेक पर निर्भर करती है। जो निर्णय आप रोज लेते हैं वही आपकी प्रतिष्ठा है, इसलिए समझदारी से निर्णय लें और जोखिमों का ध्यान रखें। आज्ञाकारी होना अच्छा है, लेकिन दूसरों के मुताबिक कार्य करना सही नहीं है। आप और आपके विचार सबसे अलग हैं। आपको जो सही लगे वह करें और लोगों की बातों में आने से बचें। आप अपने व्यय योजना में अपने कार्यों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सकारात्मक वित्तीय बदलाव आए, इसलिए आगे बढ़े और योजना को अंजाम दें। स्टॉक मार्केट से जुड़े कार्यों में अत्यधिक सावधानी बरतें अथवा आज स्थगित ही रखें। बात करते हैं सेहत की। गैस की वजह से पेट में दर्द जैसी शिकायत महसूस हो सकती है। आप अपनी नौकरी की मांग के चलते अस्वस्थ अगर घंटों में भी काम करते रहे हैं, इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाएं और जॉगिंग करने की कोशिश करें, इससे आपका शरीर और मन दोनों ही तरोताजा महसूस करेंगे। आपके कार्यस्थल पर काम का अधिक तनाव होने से आपके सारी स्वास्थ्य गड़बड़ा रही है। आपको रिलैक्स करने के लिए कोई स्वास्थ्यकर तरीका अपनाना चाहिए। आज का उपाय, आज आप गाय को रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।